सूरत शहर में 47मी वक्त भव्य रामलीला महोत्सव नु आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां दर रोज रात्रे जाहिर जनता माटे विविध कार्यक्रमों नुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आदर्श रामलीला ट्रस्ट द्वारा दर वर्षे भव्यथी भव्य रीते रामलीला महोत्सव नुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे, त्यारे आ वर्षे पण वेसु रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव 2023 नुं आयोजन करवामां आव्युं छे। 5 वर्ष बाद राम बारात नुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जे 18मी ऑक्टोबर ना रोज सांजे 6 वागे व्हाइट लोट સ્કૂલ વેસુ પાસેથી નીકળશે અને વિવિધ માર્ગોથી રામલીલા મેદાન પહોંચશે। આ બાબતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અધ્યક્ષ બાબુલાલ મિત્તલ અને મંત્રી અનિલભાઈ કુમાર અગ્રવાલે વધુ માહિતી પત્રકારોને આપી હતી। અનિલ કુમાર અગ્રવાલ, શ્રી આદર્શ રામલીલા ટ્રસ્ટ મંત્રી, જય શ્રી રામ। દેખીએ 47મા વર્ષ હમ મના રહે રામલીલા મહોત્સવ કા સુરત મેં, और शहर के विभिन्न एरियों में करते आ रहे थे, लेकिन इधर 5-6 साल से हमारा जो है ना रामलीला मैदान, जो SMC का पार्टी प्लॉट है, जो रामलीला के नाम से फेमस है, इसमें रामलीला हम करते आ रहे हैं। इस बार क्या विशेषता है? इस बार जो है वेसु क्षेत्र में हम जो है राम बारात का आयोजन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जो है अपने भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर जो है राम बारात के रूप में, बारात जैसे जाती है उस हिसाब से जो है झांकियों के साथ निकलेगी। 5-7 तरह की झांकियाँ होंगी, बैंड होगा, इसके अलावा लाइटिंग होगी, सभी प्रकार की व्यवस्था उसके साथ होगी, जिसमें झांकियों में कमल के फूल के ऊपर विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इस टाइप की झांकी होगी। कई प्रकार की जो है झांकियाँ इसमें चलेंगी। नरसिंह अवतार के रूप में जो है भगवान नरसिंह का अवतार का होगा एक झांकी। माखन जी की श्री कृष्ण भगवान की होगी, जो सीप में से जो है वो अपना सीप खुलेगा, मतलब मूविंग झांकी है ये। और नरसिंह अवतार वाली झांकी भी मूविंग झांकी है। स्टील में जो है माँ अम्बे का जो है वो गुफा में जो है एक शिला पे बैठे हुए जो है भक्ति भाव से, उनका भी एक लीला झांकी निकलेगी, वो स्टील होगी। तो इसी प्रकार के जो है 6 से 7 झांकियाँ जो है हमारी रहेंगी, और एक रथ होगा जो राम जी का रथ होगा, जिसमें चारों भाई बैठेंगे और उसको भव्यता के साथ जो है ना वो चलेगा। और जगह जगह पर जो है सोसाइटी के द्वारा हमारे पास जो निमंत्रण आए हैं कि हम भगवान का स्वागत करेंगे, आरती करेंगे, तो जगह जगह रुकते हुए बारात का जो भी एक आयोजन होता है उस हिसाब से धूमधाम से हम बारात लेके जाएंगे, और वो बारात रामलीला मैदान में जाकर समापन होगी। 10 दिन कैसे रहेगा और क्या टाइम है और कितने लोग जुड़ेंगे? देखिए, रामलीला जो है 8 बजे शाम को शुरू होगी और 11 बजे तक जो है वो लीला, 3 से 3.5 घंटे की लीला होती है, प्रसंग के अनुसार 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, तो प्रतिदिन रहेगी। 18 तारीख को लीला नहीं होगी क्योंकि राम बारात निकलेगी। इसके बाद 24 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा में यहाँ से जो है रामलीला मैदान से जो है जलूस के रूप में झांकियाँ जाएंगी, जो प्रभु श्री राम और रावण वगैरह सब जो है पूरी टीम उनकी जो है युद्ध के स्थल के लिए जो VIP रोड पर जो है कृत्रिम तालाब बना के अभी करने से हुआ था वहाँ जाएगी, और वहाँ भव्य रावण का जो है वो वध किया जाएगा उसके, और उसके पश्चात खुशी में जो है आतिशबाजी जो है आकाशीय भी होगी और धूम धड़ाके के साथ जो है विजय सब मनाएंगे हम लोग। उसके बाद 25 तारीख को जब दशहरे में विजय प्राप्त कर लेंगे प्रभु श्री राम, तो रामलीला मैदान में उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। प्रभु श्री राम जो है जो भी हम उस दिन राज्याभिषेक में जो भी लोग आते हैं राजा महाराजा, उनकी सबकी विदाई करेंगे, अंगद की विदाई होगी, वो प्रसंग चलेगा। 26 तारीख को जो है 26 तारीख को एक कृष्ण लीला के रूप में हमारे यहाँ माखन लीला होगी, महारास का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद फूलों की होली खेली जाएगी राधा रानी संग, और 27 की छुट्टी रहेगी। 28 को जो है हास्य कवि सम्मेलन होगा, जो 7 बजे रामलीला मैदान में शुभारंभ हो जाएगा, और ख्याति नाम जो है कवि आ रहे हैं, तो आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सभी कार्यक्रम में सब परिवार आप लोग पधारें और जो है धर्म लाभ लें। इसके बाद फिर हम 2024 में मिलेंगे। जय श्री राम।